अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अवेलेबल फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगी। अब अवेलेबल फ़ीचर्स का मतलब ये है कि अभी जो आपने मोबाइल ऑन किया हुआ है इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और कौन से फ़ीचर्स हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। आपको अपने सारे फ़ीचर्स का ही पता चल जाएगा कि अवेलेबल फ़ीचर्स आपके मोबाइल में कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। अच्छा, अब देखें, वाईफाई को हमारा मोबाइल जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ पे अवेलेबल फ़ीचर में आपका क्या होगा, नॉट सपोर्टेड। वाईफाई अगर डायरेक्ट अगर वाईफाई होगा तो देखें ना, फिर तो वो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वो अगर डायरेक्ट नहीं है तो वो क्या होगा, नॉट सपोर्टेड, वाईफाई सपोर्टेड नहीं है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लूटूथ क्या होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। ब्लूटूथ भी आपको पता है मेरे मोबाइल में है जी, बिल्कुल ज़ाहिर है, वो तो आजकल हर मोबाइल में है, तो मेरे मोबाइल में भी है ब्लूटूथ LE, वो भी इसमें अवेलेबल है। वाईफाई डायरेक्ट वो भी अवेलेबल है, लेकिन वाईफाई जो इनडायरेक्ट है वो कितने, वो नॉट सपोर्टेड है। GPS जो है ये भी अवेलेबल है। अगर देखें ना, अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना तो आप उस इंफॉर्मेशन को और इस ऐप के थ्रू आपके मोबाइल में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप टैली कर सकते हैं ना, कि कहीं आपको ऐसे ना लग रहा हो कि जो ये इंफॉर्मेशन है ना ऐप्स के थ्रू जो मोबाइल में दे रही है रियल नहीं और वो रियल है, नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कैमरा फ्लैश भी इसमें अवेलेबल है, कैमरा फ्रंट भी अवेलेबल है, माइक्रोफोन भी अवेलेबल है। अब ये देखिए ना, जो कैमरे का फ्लैश है वो भी इसमें अवेलेबल है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें एक रियल कैमरा होता है और एक फ्रंट कैमरा होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कैमरे का जो फ्लैश है वो भी इसमें अवेलेबल है, कैमरे का फ्रंट भी अवेलेबल, मतलब फ्रंट से भी पिक्चर ले सकते हैं। और माइक्रोफोन, जाहिर है माइक्रोफोन तो आजकल हर छोटे से छोटे मोबाइल में भी है, माइक्रोफोन भी इसमें अवेलेबल है। NFC जो है ना वो इसमें नॉट सपोर्टेड है, NFC इसमें अवेलेबल नहीं है। आगे इसमें USB होस्ट में भी क्या है, ये भी अवेलेबल है, USB एक्सेसरी भी अवेलेबल है, मल्टी टच भी इसमें क्या है, अवेलेबल है, ठीक है ना। USB एक्सेसरी अवेलेबल है, मल्टी टच अवेलेबल, ऑडियो लो लेटेंसी, इसमें जो ऑडियो जो है ना लो लेटेंसी वो भी केस में अवेलेबल है, ऑडियो का आउटपुट भी इसमें अवेलेबल है, प्रोफेशनल ऑडियो भी इसमें अवेलेबल है। एक होती है ऑडियो आउटपुट, एक होती है ऑडियो लो लेटेंसी, एक होती है प्रोफेशनल ऑडियो। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना मेरे ओप्पो A5 मोबाइल में क्या है, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ही अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब आप देखें ऊपर भी देखें ना कि मतलब क्या आपके मोबाइल में वाईफाई कनेक्टेड है नहीं है कनेक्टेड, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ ऊपर ना ऊपर जो है ये शो होने लग जाता है। अच्छा, कंज्यूमर IR कौन सा है, वो भी नॉट सपोर्टेड है। गेम पैड सपोर्ट है, नो नॉट सपोर्टेड। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ना इसमें नॉट सपोर्टेड, एक HIFI सेंसर इसमें नॉट सपोर्टेड है, इसमें जो गेम पैड है ये सपोर्टेड है, स्पोर्टर जो है वो भी नॉट सपोर्टेड है, और जो कंज्यूमर की IR है वो भी इसमें नॉट सपोर्टेड है। प्रिंटिंग इसमें अवेलेबल है, CDMA भी अवेलेबल है, GSM अवेलेबल है, फिंगर प्रिंटिंग अवेलेबल है, और ऐप विजिट्स भी इसमें अवेलेबल है। इसमें कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, प्रिंटिंग आपको ये देखें ये भी इसमें अवेलेबल है, MA भी अवेलेबल है, और इसमें जो फिंगर प्रिंटिंग का जो टच है वो भी कैसे में अवेलेबल है, और इसमें जो ऐप की विजिट्स हैं ये भी अवेलेबल है। आगे हम देखते हैं SIP, क्या SIP इसमें अवेलेबल है, येस ऑफ कोर्स ये भी अवेलेबल है। SIP बेस्ड VOIP ये भी इसमें क्या है, अवेलेबल है। और हम अगर इसमें नेटवर्क की IP हम देखते हैं कि हमारे नेटवर्क की कौन सी IP है, नेटवर्क की क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। कनेक्शन स्टेटस नॉट कनेक्टेड, ज़ाहिर है अभी जो मेरा जो मैं नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो क्या कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऊपर लिखा हुआ जाएगा जी, नॉट कनेक्टेड। डाटा टाइप कौन सा है, मैंने कौन सा डाटा लगाया हुआ है, 1-2 पे SIM 1 है, SIM 2 है, जैज़ है, टेलीनॉर है, कौन से डेटा की टाइप है, या वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, तो ये सारी चीज़ें भी अभी इसमें देखें ना नॉन अवेलेबल है, मतलब कभी इसमें अवेलेबल नहीं है। नेटवर्क की टाइप कौन सी है वो भी अनअवेलेबल है, क्योंकि मैंने नेटवर्क ऑफ किया हुआ है, तो ये आपको क्या बताएगा, अनअवेलेबल। IP एड्रेस ज़ाहिर है मैंने जो भी नेट कनेक्ट नहीं किया, तो जो IP एड्रेस है वो भी क्या इसमें अनअवेलेबल है। और इसमें MAC मैक एड्रेस जो है वो भी नहीं है, मैक SSID और लिंक स्पीड, ये सब अभी देखें ना, नेटवर्क और IP इंफॉर्मेशन ये भी आप लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये चीज़ें ऑन है, मतलब अगर आपका वाईफाई ऑन है या आप लोगों का मोबाइल का डाटा ऑन है, तो ये भी आप बता सकते हैं कनेक्शन स्टेटस क्या है, डाटा टाइप क्या है, नेटवर्क टाइप क्या है, और इसकी जो IP एड्रेस है वो इसमें क्या है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आप देखें ना ये मोबाइल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी।
तो आप इसे एप्लीकेशन का बेशक नेम देखें और फिर आप इसको इंस्टॉल भी करें तो इस एप्लीकेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको अपने मोबाइल के बारे में बिल्कुल ए टू जी हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी करें, लोगों को भी बताएं। और अगर देखना ये शॉपकीपर जो होते हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शॉपकीपर होते हैं उनका काम ही यही होता है मोबाइल्स की सेलिंग करना, परचेजिंग करना, बाय एंड सेल करना। तो मोबाइल की जो मार्केटें हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनको भी मोबाइल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पता होता है। लेकिन अब जो हम आज इस एप्लीकेशन से हम कितने ज़्यादा हम मोबाइल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता लग रहा है कि किस तरह मोबाइल का जो हार्डवेयर है वो किस तरह वर्क करता है, इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और इसके हार्डवेयर कौन कौन से हैं। तो देखें ये कितनी ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है कि इस एप्लीकेशन से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करें लोगों से भी, ठीक है, ताकि उनको अपनी मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में इस एक एप्लीकेशन में इनको अच्छी तरह से पता लग जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें। थैंक यू सो मच।